ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता के भक्ति योग नामक 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने अपने सगुण साकार स्वरूप का ध्यान करने वाले भक्तों की चर्चा की। अब तीसरे श्लोक में अपने निर्गुण निराकार स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। 12वें अध्याय का तीसरा श्लोक। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यंच कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यंच कूटस्थमचलं ध्रुवम्। ये तो जो भक्त अक्षरम अविनाशी सर्वव्यापक परब्रह्म की पर्युपासते ध्यान करते हैं, चारों ओर से अपना ध्यान हटाकर उस अविनाशी सर्वव्यापक तत्व की उपासना करते हैं, जिसे उपनिषदों के अंतर्गत ब्रह्म कहा है। इसके आगे 7 विशेषणों के माध्यम से भगवान उस अक्षर तत्व का निरूपण करने जा रहे हैं। सबसे पहला विशेषण है अनिर्देश्यम, जिसका निर्देश न किया जा सके कि देखो ये है, ये देखो, ऐसे इशारा करके निर्देश नहीं किया जा सकता कि ये है। वाणी से उसका निर्देश, इशारा, संकेत संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अव्यक्त है, वो इंद्रियों का विषय नहीं होता, इंद्रियों से अतीत है। यदि इंद्रियों से दिखता होता तो हम कह सकते थे कि देखो ये है, लेकिन ये तो इंद्रियों से दिखता नहीं, ये तो इंद्रियों के माध्यम से देखने वाला चैतन्य है। ये वो चैतन्य है जो इंद्रियों को उपकरण बनाकर इस संपूर्ण संसार का अनुभव कर रहा है, ज्ञान कर रहा है। ये वो चैतन्य है, इससे इंद्रियां देखती हैं, पर इसे इंद्रियां देख नहीं सकती, जान नहीं सकती, समझ नहीं सकती। तो वो अव्यक्त क्यों है? क्यों? क्योंकि वो सर्वत्रगम, तीसरा विशेषण जो भगवान यहां दे रहे हैं, सर्वत्रगम, कि वो सर्वव्यापक है। कहीं एक स्थान पर हो तो हम कह सकें कि देखो ये है। इंद्रियां सीमित को ही देख सकती हैं, असीम को, सर्वव्यापक को कैसे इंद्रियां देखेंगी? तो जो आकाश के समान सर्वव्यापक है, उसका साक्षात्कार इंद्रियां नहीं कर सकती, इसीलिए वो अव्यक्त है। क्यों? क्योंकि वो सर्वव्यापक है, और क्योंकि वो सर्वव्यापक है, क्योंकि वो इंद्रियों से अतीत है, इसीलिए मन से उसका चिंतन भी नहीं हो सकता। अचिंत्यम, वो अचिंत्य है, वो चिंतन का विषय नहीं बनता। यह तो वह शुद्ध चैतन्य तत्व है जो मन को उपकरण बनाकर संसार के सभी पदार्थों का चिंतन कर रहा है। उस चिंतन करने वाले का चिंतन कैसे मन करेगा? इसीलिए श्रुति भगवती कहती है यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से
वाणी और मन दोनों बिना प्राप्त किए वापस आ जाते हैं। मन से इस संसार की वस्तुओं का चिंतन तो बड़ी आसानी से हो जाता है, लेकिन मन के पीछे बैठकर, मन के अंदर बैठकर, मन का सार रूप जो चैतन्य है, उस चैतन्य स्वरूप जो परमात्मा है, उसका चिंतन मन करने में सक्षम नहीं होता। इसीलिए उसे अचिंत्य यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इंडोनेशिया के, विशेषकर बाली के जो वैदिक सनातन धर्मावलंबी हैं, वो परमात्मा को अचिंत्य कहते हैं। पांचवा विशेषण जो यहां भगवान दे रहे हैं वो है कूटस्थम, कूट के समान स्थित। कूट शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो कूट का अर्थ होता है पर्वत, यानी जो पर्वत के समान स्थिर है, कितने भी आंधी तूफान आ जाए पर्वत डिगता नहीं। और कूट का एक और अर्थ होता है निहाई। निहाई कहते हैं उस औजार को जो लोहार के कार्यशाला में पड़ी होती है, जिसके ऊपर वो लोहे को रखकर घन से पीटता है, तो निहाई के ऊपर रखा हुआ लोहा बदलता रहता है, वो उस लोहे में कंपन होता है, घन में कंपन होता है, लेकिन निहाई इतनी स्थिर होती है कि उस पे कितनी भी चोट पड़े वो अपने स्थान से हिलती नहीं, उसके समान अडिग। ये अक्षर तत्व है, इसमें कोई कंपन नहीं है। इसीलिए ईशावास्योपनिषद में महर्षि दध्यंग अथर्वण एक शब्द का प्रयोग करते हैं अनेजत। एजत का अर्थ होता है कंपन करने वाला, कांपने वाला, और अनेजत का अर्थ होता है जिसमें कंपन ना हो, जो अपनी सहज अवस्था से कभी भी च्युत ना हो, जो सदैव अपनी सहज अवस्था में विद्यमान रहता है। इस संसार में कुछ भी घटित हो, कितनी भी आंधी तूफान आए, लेकिन उसमें कभी कंपन नहीं होता, वो अपनी अवस्था से कभी भी च्युत नहीं होता, उसी को यहां पर कूटस्थ कहा है। अब अगला विशेषण है छठा विशेषण अचलम, कि वो अक्षर तत्व अचल है, निश्चल है। मन बड़ा चंचल है, चंचलम ही मन कृष्ण। छठे अध्याय में अर्जुन भी कह रहे हैं कि हे कृष्ण, ये मन जो है बड़ा चंचल है, लेकिन उस मन में विद्यमान जो चैतन्य तत्व, स्वयं प्रकाश चैतन्य तत्व है, जिसके प्रकाश से प्रकाशित हो मन, इंद्रियों के माध्यम से इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर रहा है, वो शुद्ध चैतन्य अचल है, निश्चल है। मन चाहे चंचल हो, लेकिन उस मन के अंतर्गत विद्यमान जो प्रकाश है, उस प्रकाश के अंतर्गत कभी भी चलायमानता नहीं आती, वो अचल रहता है, वो निश्चल रहता है। इसीलिए भगवान यहां पर उसे अचलम कह रहे हैं। और अंत में सातवां विशेषण जो भगवान ने दिया वो है ध्रुवम। रात के आसमान में सारे तारे अपना स्थान बदलते रहते हैं, एक ध्रुव तारा ही ऐसा तारा है जो कभी भी अपना स्थान नहीं बदलता, वो सदैव एक ही स्थान पर दिखता है। तो ये परमात्मा उसी ध्रुव तारे के समान अडिग है। ध्रुव धातु का अर्थ होता है स्थिर रहना, तो ध्रुव का अर्थ होता है जो सदैव स्थिर रहे, अपने स्थान से डिगे नहीं। तो ये उस निर्गुण निराकार स्वरूप के कुछ ऐसे विशेषण हैं कि जब इन विशेषणों के माध्यम से उपासक
ध्यान करने वाला साधक परमात्मा के उस निर्गुण निराकार स्वरूप का ध्यान करता है तो उसका मन भी पर्वत के समान, ध्रुव तारे के समान, लुहार की दुकान में रखी हुई निहाई के समान अडिग हो जाता है, शांत हो जाता है। यही इस स्वरूप का ध्यान करने का महात्म्य है। तो इस श्लोक में हमारे लिए क्या बात कही भगवान ने कि इस प्रसंग में, क्योंकि भगवान दो प्रकार की उपासना पद्धतियों का निरूपण कर रहे हैं, दूसरे श्लोक में उन्होंने अपने स्थूल स्वरूप पर ध्यान करने की पद्धति बताई, इस श्लोक में अपने अत्यंत सूक्ष्म सर्वव्यापक स्वरूप का ध्यान करने की पद्धति बता रहे हैं। सगुण साकार की उपासना जहां हमें भगवान के साथ जोड़ती है, वहां उनके निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना हमें अपने साथ जोड़ती है, हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसके साथ वो ध्यान हमें जोड़ता है। जीवन में चिरस्थायी शांति और आनंद, ये ध्यान की इन दो पद्धतियों के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु।